सोना BLW प्रिसीजन 1995 में सोना ओकेगावा प्रिसीजन फोर्जिंग के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत हुई और देश की दिग्गज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में से ये एक है। और 2013 में इसका नाम बदलकर हुआ सोना BLW प्रिसीजन। स्टार्टर मोटर में दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में ये कंपनी शामिल है। डिफरेंशियल वेवल गियर में भी कंपनी 10 ग्लोबल कंपनियों में शामिल होती है और डिफरेंशियल वेवल गियर में 5% और स्टार्टर मोटर में लगभग 9% मार्केट शेयर पूरे दुनिया भर के बाजारों में ये कंपनी रखती है। तो तगड़ी दमदार लीडरशिप वाली ग्लोबल कंपनी ये आपके सामने। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के MD और ग्रुप CEO विवेक विक्रम सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 1 जुलाई 2016 से इस कंपनी के साथ जुड़े हैं और 2019 से कंपनी के MD और CEO हैं। HBTI कानपुर से कंप्यूटर साइंस में BTEC किया है आपने और साथ ही IIM अहमदाबाद से PGDM भी किया है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 6 साल का अनुभव है, कुल मिलाकर 15 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं इंडस्ट्री का। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर आप नजर रखते हैं और कंपनी के कैपिटल एलोकेशन से रिलेटेड सारे फैसले विवेक विक्रम सिंह साहब लेते हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपके आज से खुलने वाले IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करें आपके IPO को तगड़ा रेस्पॉन्स मिले। सबसे पहले जानना ये चाहता हूं, जो पैसा आप इस IPO के जरिए जुटा रहे हैं कितना फ्रेश इश्यू है, कितना कंपनी में पैसे जाने वाला है और उस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? जी, पहली बात तो धन्यवाद अनिल जी हमें बुलाने के लिए यहाँ पे और वक्त देने के लिए अपने शो में। हम लोग 5,550 करोड़ का ये टोटल IPO है, जिसमें से मुख्य पार्ट जो है 5,250 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है ब्लैकस्टोन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में से है, वो हमारे इन्वेस्टर हैं और उनका एग्जिट हो रहा है, दूसरे प्रमोटर अपना होल्डिंग बरकरार रखेंगे। 300 करोड़ हमारा प्राइमरी इश्यूएंस है, जिसमें से 241 करोड़ होगा इस्तेमाल जो हमारा टर्म लोन है उसको चुकाने के लिए और बाकी जो छोटा मोटा बच जाता है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सर मैं देख रहा था आपकी कंपनी का कारोबार पूरे देश विदेश में सब जगह फैला है, जो निवेशक आपके IPO में इंटरेस्टेड है, एक बार जरा बिजनेस मॉडल समझाएं सर, आपकी कंपनी करती क्या है और किस तरह से ग्लोबली पोजिशनड है। जी अनिल जी, धन्यवाद ये मौका देने के लिए मुझे, कि हमारी कंपनी का जो USP है ये ऑटो सप्लायर है, बट ये ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंपोनेंट से ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी में भरोसा है। हमारी 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उभरता हुआ सेगमेंट है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। 14% हमारी सेल्स बैटरी इलेक्ट्रिक को जाती है, 27% हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड को जाती है, तो 41% जो कि विश्व में अभी बहुत छोटा है बट हमारा काफी बड़ी हिस्सेदारी है उसमें। दूसरा, हमारी कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 21 में हम फाइनेंशियल ईयर 20 के ऊपर 28% से ग्रोथ हुई, मगर अब पहले हाफ में कोरोना से थोड़ा असर पड़ा था, बट Q3 और Q4 देखेंगे तो 65% और 75% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। और तीसरी बात, आप हमारी इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो 28% के आसपास हमारा EBITDA मार्जिन है और 30% के आसपास रिटर्न, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास कहा जा सकता है। ठीक बात है। तो ये आप तो बेसिकली ये समझा जाए सिंह साहब कि अगर दुनिया भर में जिस तरह से अब ट्रेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, राइट, हमारे यहां भी अभी आ रहा है, बाहर के देशों में तो थोड़ा बेहतर है, तो क्या उस तरफ कंपनी का ज्यादा फोकस है और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी क्या आपकी कंपनी की ग्रोथ उस हिसाब से ज्यादा बढ़ने वाली है, क्या ये समझना ठीक है? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ उसकी ग्रोथ के साथ आपकी कंपनी को जोड़ना ठीक है? बिल्कुल सही कहा सर। तो अनिल जी, हम लोग 2016 से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ में जुड़ गए थे, क्योंकि हम लोगों का मानना था कि बहुत दिन से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी और एक डिसरप्शन की आवश्यकता थी इस इंडस्ट्री में, जो इलेक्ट्रिफिकेशन ने किया है। दुनिया में आप देखेंगे तो US, चाइना और यूरोप काफी आगे निकल गए, वहीं पे हमारे अभी अधिकतर कस्टमर हैं। धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रदूषण को देखिए, ये ICE इंजन से चलने का जो समय है अगले 10 सालों में ये ना के मात्र रह जाएगा, तो ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होनी है और हम लोग इस ट्रेंड से बहुत ज्यादा अलाइंड है।
जी तो सर, ये जो मैं आपके आरएचपी में पढ़ रहा था कि 560 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपांशन आपने पिछले 3 सालों में जो किया है, इसमें से सारा का सारा या ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में गया है सर? अधिकतर। ओके, अच्छा एक चीज और बताएं सर कि आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान की कंपनियां विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, ऑटो इंडस्ट्री में हम तो लीडर हैं ही, अमेरिका में, यूरोप में। मैं आपकी कंपनी के बारे में एक स्पेशल चीज देख रहा था सर, करीबन आपकी 8% सेल्स चाइना से आती है, तो चाइना को भी आप एक्सपोर्ट करते हैं? आमतौर पर यह कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? ऑटो इंडस्ट्री वाली हमारी कंपनियां भी और ऑटो कंपनियां भी चाइना से, तो ये मतलब आपने चाइना में एक्सपोर्ट करने का कैसे सोचा? और क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइना नहीं बना पा रहा आपकी कंपनी बना रही? सर यही विशेषता है हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारी मेहनत की, हमारी इंजीनियरिंग की। इंडिया के इंजीनियरों की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते। हमारा इंजीनियरिंग टैलेंट जो है वो विश्व में शायद सबसे अच्छा है, और यही रीजन है कि 10% ड्यूटी के डिसएडवांटेज के बावजूद हम चाइना के मार्केट तक में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये हमारा सब अनुभव और टेक्नोलॉजी का परिणाम है। और दूसरी बात, हमारा मिशन, हमारा ध्येय, हमारा मकसद यही है कि ऐसी कंपनी बनाए कि हर हिंदुस्तानी ये कह सके कि इंजीनियरिंग में ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हमें गर्व है। अगर ऐसा काम करेंगे तो क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं खरीदेगा? हर आदमी खरीदेगा सर, अगर आपका प्रोडक्ट बेहतर हो और प्राइस में भी अच्छा हो तो हर कस्टमर खरीदेगा। तो सर एक चीज बताइए, फिर ऐसे में आपकी कंपनी को क्या वो वैल्यूएशन नहीं मिलने चाहिए जो ऑटो इंसुलेटर कंपनी को आमतौर पर मिलते हैं? आप ये कह रहे हैं कि इसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ देखें, थोड़ा इसका डिफरेंस समझाइए, क्योंकि है ना हम जब कंपेयर करते हैं ना तो हम सारे कंपेयर ऑटो इंसुलेटर कंपनियों से करते हैं, फिर हमें लगता है अरे 72 के पी मल्टीपल पर आप इशू लेकर आ रहे हैं, बड़ा महंगा। हालांकि इंडस्ट्री का पी भी आजकल तो 68-70 का हो गया, इतना महंगे पर ट्रेड करें, तो फिर कैसे कैसे वैल्यू कैसे करना है आपकी कंपनी को वो बताएं सर। सर आपने वैसे सवाल में ही आपके जवाब है, बट मैं कहूंगा तीन तरह चीजें देखनी चाहिए सर जी। अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी को देख रहे हैं तो आप वो कंपनियां जो मेटल को या प्लास्टिक को पीट के किसी चीज में परिवर्तित करते हैं उससे तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमारा। दूसरी बात, अगर कंपैरिजन करने ही तो फिर जो ग्लोबल ईवी सप्लायर हैं जैसे CATL, इनोवांस, एक्टिव, इन लोगों से करिए। तुलना घरेलू सप्लायर से सिर्फ क्यों करेंगे जब हमारा प्ले ही ग्लोबल है? 75% हमारी सेल्स अगर विश्व में होती हैं, इंडिया में तो सिर्फ 25% है, तो इंडिया वालों से तुलना करना गलत रहेगा मेरे हिसाब से। मगर अगर तुलना करनी भी है तो सर पी रेशियो में जो ई पार्ट है, पहले कुछ महीनों में तो कोई अर्निंग थी ही नहीं, तो वो रेशियो भी थोड़ा स्क्यूड है। बट थर्ड चीज सर, अंत में अगर आप कोई चीज वैल्यू वाली लेने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा तो प्रीमियम और प्राइस देना चाहिए ना। मर्सिडीज खरीदनी है और होंडा सिटी का दाम देना तो थोड़ा चलेगा कैसे? ठीक बात है, और वो तो आपके ग्रुप का वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है, संजय कपूर साहब खुद इतने जाने माने एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने जिस क्वालिटी की कंपनियां बनाई है और इस फील्ड का जो गहरा अनुभव है, और आप भी इतने यंग होकर कंपनी की कमान संभाल रहे हैं एमडी सीईओ के तौर पर। अच्छा सर, मैं देख भी रहा था मार्जिन्स भी बड़े मजबूत है, 28% के आसपास, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है। जो कुछ आपका विद इन फ्रेमवर्क और विद इन प्रोस्पेक्टस की जो लिमिट्स है उसमें आप अपने दर्शकों को, निवेशकों को अगर एक गाइड देख कर पाए कि किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद कंपनी से कर सकते हैं या किस तरह के कैपेक्स प्लान कंपनी आगे लेकर आ रही है, ग्रोथ कैसे आएगी वो अगर एक समझ पाए तो, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में एक डायरेक्शन सही मिल सके। धनंजय जी आपने सही कहा कि माननीय सभी की वजह से हमारे आसपास एक लक्ष्मण रेखा है आरएचपी की जिसको मैं नहीं ला सकता। बट अगर आप देखें, वही मैं तीन चीजें कहना चाहूंगा। FY21 में हमारी 28% ग्रोथ थी, Q4 में 75% और Q3 में 65%। ये ग्रोथ अगर इतिहास से आप भविष्य का अनुमान लगा सकते तो इन ग्रोथ को देख के समझ सकते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी अंडरलाइन इंडस्ट्री का बेस है उसमें जो ईवी सेगमेंट है अगले 5 साल 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करने की उम्मीद है, प्लस जो बाकी नॉन ईवी सेगमेंट है वो भी अगर आप देखें पिछले 2 साल में इतनी मार खाई है ऑटो इंडस्ट्री में कि बहुत डिप्रेस्ड है, तो उसमें भी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ काफी सशक्त रहने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक बात है,
मैं समझता हूँ सर, लिमिटेशंस है, आप एक लिमिट से ज्यादा प्रोस्पेक्टस के बाहर आप आउटलुक नहीं दे सकते हैं सेबी के नियमों के मुताबिक, लेकिन उसके लिए फिर हम लिस्टिंग पे इंतजार करेंगे आपसे मुलाकात का, तब आप खुलकर कह पाएंगे। फिलहाल सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और लियर ग्लोबल कंपनी बनाई है संजय कपूर साहब के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपका IPO सुपर डुपर हिट साबित।